के आसपास ही घूमती रहती है, इसलिए इस मूवी का नाम भी सायनी रख दिया गया है। और मूवी में लड़की का नाम भी सायनी होता है। सायन जो कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाली एक लड़की है, जो कि अपनी दादी के साथ एक घर में रहती है जो कि पुश्तैनी घर होता है। तभी वहां पर कुछ लोगों की एंट्री होती है जो कि उस जमीन को हथियाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है ये तो आपको मूवी में पता चल ही जाएगा। लेकिन दादी के मना करने के बाद थोड़ी वहां पर बहस हो जाती है और गुस्से में आकर एक शख्स साइन की दादी पर गोली चला देता है, जिससे उसी वक्त जो है उसकी दादी की मौत हो जाती है। और साइन पर भी गोली चला देते हैं वो लोग, लेकिन साइन जिंदा होती है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि साइन मर चुकी है और उसी के घर में उन दोनों की लाशों को डालकर आग लगा दिया जाता है। लेकिन साइन वहां से कैसे भी करके जिंदा वापस भाग निकलती है। अब उन लोगों ने एक शेरनी को जख्मी कर दिया था और दूसरी गलती की थी कि वो उसके इलाके में गई थी और साइन सभी जंगलों को अच्छी तरह से जानती थी। अब यहाँ पर शिकारी और शिकार का जो है खेल शुरू हो जाता है। साइन कैसे करके जो है अपने इलाके और अपने जंगलों का फायदा किस तरह से उठाती है और किस तरह से अपनी दादी का बदला लेती है, यही सभी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एक तरफ जो है बंदूकबाज है, एक तरफ साइन जो कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाली एक लड़की। क्या होगा आगे, कौन शिकार किसका करेगा, किस तरह से करेगा, ये सभी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। मूवी एक अच्छी खासी मूवी है जो कि आपको इंटरेस्ट बनाकर रखती है। जबकि साइन जो है एक मामूली सी, उसके पास कोई हथियार नहीं, फिर भी उन सभी का कैसे मुकाबला करेगी, ये देखने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो खैर ये प्राइम वीडियो पर ये जो है मूवी आ चुकी है, हिंदी में है और अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक ठाक है और इंटरटेन करेगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।